दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, है तो ये बहुत छोटी सी चीज, लेकिन जिनको इसके विषय में जानकारी नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके पास अगर कोई इंग्लिश में टाइटल हो तो वो हिंदी कैसे चेंज करेंगे, मतलब हिंदी में कैसे उसे बदलेंगे। इसकी जानकारी लगभग जो पुराने एडिटर हैं उनको तो है, जो अभी नया नया मिक्सिंग लगवाया है वो चाहे डेटा कहीं से भी लिया हो, कई बार क्या होता है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलने के कारण जानकारी उनके पास नहीं हो पाती है। आगे आप लोगों को ये भी बता दूं कि जानकारी मिल जाने के बाद हर काम आसान हो जाता है, पर जानकारी ना हो तो आसान से आसान काम भी आपको मुश्किल दिखाई देता है। तो आज मैं जितने भी मेरे नए एडिटर बंधु हैं उनको मैं आज बताने वाला हूं कि किसी भी अंग्रेजी टाइटल को आप हिंदी में कैसे बदलेंगे। दोस्तों, किसी भी अंग्रेजी टाइटल को हिंदी में बदलने से पहले आपके पास हिंदी फॉन्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और निकल करके आती है कि क्या किसी भी फॉन्ट को हम मीडिया में इंस्टॉल कर देंगे और वो काम करने लग जाएगा क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पुराने वर्जन कुछ एडियस थे जिसमें आपका कुर्ती देव वगैरह फॉन्ट काम कर जाता था, पर एडियस 8, 9 और 10 में पुराने वर्जन के फॉन्ट काम नहीं करते। उसमें आपको राज फॉन्ट या फिर कुछ लेटेस्ट फॉन्ट है जो उसमें आप डाल करके काम कर सकते हैं। यहाँ पे आज मैं आपको राज फॉन्ट के ऊपर बताने वाला हूँ। राज फॉन्ट आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे पास कुछ फॉन्ट हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करके नहीं दिखाने वाला हूँ पूरा का पूरा फॉन्ट, यहाँ पे सिर्फ मैं राज फॉन्ट आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा ताकि लगे हाथ आप फॉन्ट भी इंस्टॉल करने का तरीका सीख जाएं। बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों, यहाँ से मैं राज फॉन्ट जितने भी मेरे पास पड़े हुए हैं इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इस पे राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन दिखाई देता है इंस्टॉल, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि ये फॉन्ट जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं ये ऑलरेडी इस सिस्टम पे पड़ा हुआ है, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड के अंदर ये सारे के सारे फॉन्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे और उसके बाद इस फोल्डर का काम हमारा खत्म हो जाता है, हम इसे बंद कर देंगे। फॉन्ट के इंस्टॉल हो जाने के बाद दोस्तों हम अपना EDS चालू कर लेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है कि जिस समय आप फॉन्ट को इंस्टॉल कर रहे हो उस समय आपका EDS चालू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका EDS चालू रहेगा तो वो फॉन्ट वो रीड नहीं कर पाएगा। तो फॉन्ट इंस्टॉल होने के बाद दोबारा से आपको EDS चालू करना है। यहाँ मैंने EDS चालू कर लिया हुआ है। EDS को चालू करने के बाद मैंने यहाँ पे एक टेम्पररी टाइटल बना करके अपने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है ताकि मैं उस पर आप लोगों को सिखा सकूं। तो चलिए ओपन प्रोजेक्ट करके हम उस टाइटल को ओपन कर लेते हैं। ये है वो हमारा टाइटल, मैंने इसे लोड कर लिया। टाइटल पूरी तरीके से हमारे EDS पे लोड हो चुकी है और ये इसका एडिट करने वाला पॉइंट है जिसपे की हम डबल क्लिक करके टाइटल को एडिट करते हैं। तो चलिए किसी एक पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा क्विक टाइटलर का। हम इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इसे देख सकें, और इस टाइटल को यहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका सेलेक्ट करने का तरीका है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां से आप राज फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि हम कीबोर्ड से R प्रेस करेंगे। R बटन प्रेस करने के बाद ये हमारा वो राज फॉन्ट है जो कि हमने अब इंस्टॉल किया है, और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये सारा आपका हिंदी हो जाएगा। और जो आपको डिज़ाइन या जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है कि हाँ हमें इसी फॉन्ट में देना है, उस फॉन्ट में आप इसे आसानी से टाइप कर सकते हैं। और जब आप अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाएंगे तो ये हिंदी में टाइप होगा। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप हिंदी टाइपिंग करके आसानी से अंग्रेजी टाइटल को हिंदी बना सकते हैं। और अगर आप हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि हम अंग्रेजी में टाइप करें और ऑटोमेटिक हिंदी होता चला जाए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूंगा। पर यह है कि उस विषय में अगर 100 कमेंट आप लोगों के आते हैं तो एडिट हो जाने के बाद दोस्तों आपको इसे कंट्रोल एस कर देना है और फिर ये हिंदी में ही सेव हो जाएगा। मैं इसे यहाँ पे सेव नहीं करने वाला क्योंकि टाइटल खराब हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसे नो कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों जितने भी आपको टाइटल यहाँ पे टाइमलाइन पे दिखाई दे रहे हैं, जितना लंबा आपको नाम मिला है ब्राइड साइड या फिर ग्रूम साइड की तरफ से उतना लंबा आप टाइप करते हुए चले जाएंगे, और इस तरीके से किसी भी अंग्रेजी टाइटल को आप हिंदी में बदल सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और इसके बाद भी अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको वीडियो को समझने में आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके मेरे से बात कर सकते हैं या फिर फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आकर के वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर के आता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो मिक्सिंग से संबंधित ऐसी ऐसी जानकारी जो दूसरे किसी भी YouTube चैनल पे आपको नहीं मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।